हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं रंजना वाघमारे स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। ओके, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट, ओके, 8th स्टैंडर्ड का। तो इसका जो है फर्स्ट लेसन हमने लास्ट वीडियो में ले लिया है, उसके भी दो पार्ट थे और दोनों पार्ट जो है अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और जब सब्सक्राइब करोगे तो जो आइकॉन आता है तो बेल आइकॉन को आपको नोटिफिकेशन के लिए क्लिक करना है और उसको नहीं भूलना है आपको। तो बाकी अगर आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपको बाकी सब भी जो वीडियोज है वो मिल जाएंगे, ठीक है? तो नाउ वी स्टार्ट द लेसन सेकंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लेसन? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ओके, सो लेट्स रिकॉल। हमने पिछले लेसन में क्या क्या पढ़ा था वो जो है यहाँ पे रिकॉल में दिया हुआ है। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव बीन इंट्रोड्यूस टू रॉक टाइप, वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक। लास्ट ईयर वी हैव टू लर्न रॉक टाइप, वोल्केनोज के बारे में पढ़ा था और अर्थक्वेक के बारे में। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। तो नीचे जो है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हेन अर्थक्वेक ऑकर, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली? अर्थक्वेक कैसे आता है? आपको मालूम है कि अर्थक्वेक जब होता है तो अंदर की जो हमारे अर्थ के अंदर की जो एनर्जी है वो जो सब बाहर आती है, जोर से बाहर आती है और जमीन को एक झटका लगता है, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक बोलेंगे। तो हाउ आर इग्नियस रॉक फॉर्म? और जब ये अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है कि जमीन के अंदर से जो है एक लावा बाहर आता है और वो जो लावा है कुछ दिनों के बाद ठंडा हो जाता है और उसका फिर रॉक बन जाता है, ठीक है? समझ में आया आपको? व्हाट इज अ वोल्केनो? अब वोल्केनो क्या है? वोल्केनो यानी ज्वालामुखी। ओके, माउंटेन रीजन में ये ज्वालामुखी जो है पाया जाता है। अर्थ के सेंटर में जो लावा होता है उसे वोल्केनो कहते हैं, ठीक है? विच मटेरियल कम आउट ड्यूरिंग अ वोल्केनो इरप्शन? अब जब ये वोल्केनो आता है तो कौन से मटेरियल बाहर आते हैं? तो उसमें से बहुत सारे मेटल्स आते हैं, गैसेस आते हैं, लावा आता है और जो अंदर का जो हमारा कोर पार्ट है उसमें जो भी रॉक्स है या फिर जो भी मटेरियल है वो सब जो है बाहर आता है, ठीक है? विच इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दिस मटेरियल? अब ये जो मैटर बाहर आता है इसमें से तो वो कौन से स्टेट में होता है? वो होता है लिक्विड स्टेट में। ओके, आर दिस मटेरियल कूल और हॉट? जब ये मटेरियल बाहर आता है तो ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है और फिर धीरे धीरे जमीन पे आने के बाद में जो है वो कूल होने लगता है, ठीक है? अब ये मटेरियल हॉट क्यों होता है? क्योंकि अंदर जो है जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे टेम्परेचर जो है बहुत राइज होते जाता है और वहाँ पे जो भी मटेरियल्स होते हैं वो भी जो है फिर हॉट हो जाते हैं और वो जब बाहर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में होते हैं और फिर धीरे धीरे वो कूल हो जाते हैं, ठीक है? ट्राई दिस, बॉइल हाफ अ लिटल लीटर ऑफ मिल्क। आपको क्या करना है कि हाफ लीटर मिल्क लेना है। व्हेन द मिल्क कम्स टू अ बॉइल, और जैसे ही मिल्क जो है बॉइल होने लगता है, स्विच ऑफ द गैस, कीप अ लीड ऑन द वेसल। और फिर क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और वो जो जिसमें भी हमने वो हाफ लीटर मिल्क को बॉइल किया था उसको बंद कर देना है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको दिया हुआ है, द लैटर पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो भी होता है मिल्क को गर्म करने के बाद में, जब उस पर लीड रखने के बाद में जब हम उसको ठंडा करते हैं तो उसके बाद में जो है जो भी एक्सपेरिमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू यूज योर ऑब्जर्वेशन स्किल एंड अराइव एट सम कंक्लूजन। तो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है और अपने दिमाग से सोच कर जो है कंक्लूजन निकालना है।
ओके यू अंडरस्टूड दैट। आफ्टर 10 मिनट्स रिमूव द लीड। अब 10 मिनट के बाद में क्या करना है, उस जो मिल्क के ऊपर हमने जो लीड रखा था उसको निकाल देना है। टेक इट टू अ साइड एंड टिल्ट इट। अब इसको जो है साइड में रख देना है और उसे ठंडा होने देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन यू सी ऑन द मिल्क, क्या देखोगे आप मिल्क के ऊपर, इन व्हाट फॉर्म डू यू सी द लेयर ऑफ मैटर ऑन द मिल्क। आपको जो मिल्क आपने जो ठंडा किया उसके ऊपर आपको एक लेयर दिखेगी। ओके तो वो लेयर जो है कैसी होती है वो लेयर, आपको मालूम है, आप देखते हो हमेशा ही। सो रिमूव दिस लेयर ऑफ अ मैटर। अब जो भी वो लेयर आती है मिल्क के ऊपर उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है। टेक नोट ऑफ द डिफरेंट इन टेम्परेचर ऑफ दिस मैटर एंड द मिल्क एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि वो जो ऊपर लेयर आई है उसको उसका टेम्परेचर और जो अंदर मिल्क है उसके नीचे जो मिल्क है उसका टेम्परेचर आपको देखना है कि वो कैसा है, और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन के आंसर आपको डिसाइड करने हैं। व्हेन द मिल्क वॉज केप्ट फॉर बॉइलिंग, इन विच स्टेट वॉज इट, जब हमने मिल्क को बॉइल करने के रखा था तो वो कौन से स्टेट में था। When the milk was boiling, what did you observe? जब मिल्क बॉइल हो रहा था तो क्या देखा आपने उसमें, What had accumulated over the lid of the vessel? जब हमने उसके ऊपर लीड रखी तो उसमें क्या जम गया वो आपको बताना है। टेल वेदर द मैटर accumulated ऑन द मिल्क इज लिक्विड और सॉलिड। जब आपने वो मिल्क को देखा तो वो लिक्विड, जो मैटर ऊपर आपने देखा वो लिक्विड था या सॉलिड था। वॉट इज वॉट वॉज इट कूलर और हॉटर देन द मिल्क बिलो, क्या वो मिल्क जो है वो जो ऊपर का मैटर है वो मिल्क से ज़्यादा ठंडा था या मिल्क जितना ही गर्म था। ऑन विच अदर सब्सटेंसेस कैन सिमिलर एक्सपेरिमेंट बी कैरिड आउट। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है इसको जो है आपको सोचना है। तो इसका ही जो है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है इसमें दिया हुआ है। सो यू सी बिफोर बॉइलिंग द मिल्क वॉज इन लिक्विड स्टेट। जब हमने बॉइल करने के लिए मिल्क को रखा तब वो जो है लिक्विड स्टेट में था पूरा। आफ्टर इट कम टू अ बॉइल स्टीम स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम इट। और जैसे ही हमने बॉइल करना शुरू, बॉइल होने लगा वो दूध मिल्क, तो उसमें से जो है स्टीम बाहर आने लगी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम अ थिक लेयर ऑफ अ क्रीम डेवलप ओवर द मिल्क, और कुछ देर के बाद में उस मिल्क के ऊपर एक क्रीम का लेयर जो है आपको दिखता है। द टेम्परेचर ऑफ द क्रीम इज लेसर देन द मिल्क बिलो। तो उसका जो ऊपर का जो लेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत कम होता है देन द मिल्क बिलो। उसके नीचे का जो मिल्क है उससे जो है इस ऊपर के लेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, दस इट कैन बी इम्प्लाइड दैट द क्रीमी लेयर कूल्ड फास्टर देन द मिल्क बिलो इट। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ऊपर के लेयर जो है वो मिल्क का जो लेयर आया है वो सबसे ज़्यादा फास्टरली कूल होता है देन द मिलो मिल्क बिलो। ओके विच रिमेंड हॉट एंड इन अ लिक्विड फॉर्म, और नीचे का जो मिल्क है वो हॉट होता है और लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके और ये जो है ऊपर की लेयर सॉलिड फॉर्म में होती है। अ सिमिलर प्रोसेस ऑकर्ड व्हेन द अर्थ कूल्ड, और ऐसे ही सेम प्रोसेस जो है हमारे अर्थ के साथ में होती है। जब लावा बाहर आता है तो वो जो है कूल होता है और फिर जो है वो जम जाता है। ठीक है, साइंटिस्ट अनएनिमसली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम इट्सेल्फ। साइंटिस्ट का कहना है वो क्या बिलीव करते हैं कि अर्थ जो है हमारी सोलर सिस्टम में फॉर्म हुई है। ठीक है, इनिशियली अर्थ वॉज अ गैसियस हॉट बलून, और शुरुआत में जो है अर्थ कैसे थी हमारी, गैसियस हॉट बलून के जैसे थी। गैस का जो बलून होता है ना हॉट गर्म वाला, उसके जैसे थी। इट कूल्स डाउन एज इट रोटेट अराउंड इट्सेल्फ, और जब धीरे धीरे वो रोटेट करते करते जो है
क्या हो गया, वो कूल हो गई. ओके, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग टुक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस टुवर्ड द अर्थ सेंटर. और ये जो प्रोसेस है कूलिंग की, टुक प्लेस फ्रॉम द आउटर सरफेस टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर. तो ये जो कूलिंग प्रोसेस है अर्थ के ऊपर के भाग में थी, सेंटर में नहीं. एज अ रिजल्ट द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ बिकम कूलर. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ऊपर की जो लेयर है वो धीरे धीरे कूल होने लगी. और ऊपर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट. ओके, जो अर्थ वाला जो हमारा पार्ट होता है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं. तो वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी एंड सॉलिड, और सॉलिड होने लगी. बट एज वी मूव फ्रॉम सरफेस टू द कोर, और जब हम कोर के तरफ जाते हैं, सरफेस टू द कोर मतलब ऊपर के सरफेस से अंदर कोर के तरफ जाते हैं, तो हीट कैसे होती है, इंक्रीज होती जाती है. एंड एट सर्टन डेप्थ, और कुछ अंदर जाने के बाद में जो है, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज सेमी लिक्विड. फिर जो इंटीरियर पार्ट होता है वो कुछ अंदर जाने के बाद में वो सेमी लिक्विड दिखता है हमको, अर्थ का अंदर का पार्ट. ओके, सो मैन हैज़ ऑलवेज इज बीन इनक्विजिटिव अबाउट वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो मैन जो है हमेशा जो है सोचते रहता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या है. ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर हैज़ नॉट सीन पॉसिबल एज इट. डायरेक्टली जो है अगर हम अर्थ को देखते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता है कि इंटीरियर में क्या होगा. सो थ्रू वेरियस मेथड्स द साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू एस्टिमेट अबाउट द सेम. और फिर जो है मैन ने क्या किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे मेथड यूज़ किए जिससे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है वो मालूम हो सके. टू इन्फर अबाउट दिस, स्टडी ऑफ द मटेरियल्स कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन एंड सिस्मिक वेव्स इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो ये स्टडी करते वक्त जो है उन्होंने किस पर से स्टडी करना शुरू किया, जो वोल्केनिक इरप्शन होते थे ना, या फिर सिस्मिक वेव जो निकलती थी, तो उस पर से जो है स्टडी करना शुरू कर दिया कि अर्थ के अंदर क्या होगा. ठीक है, मैटर कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन कंसिस्ट ऑफ हॉट मैग्मा गैसेस स्टीम्स एटसेट्रा. जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से क्या निकलता है, हॉट मैग्मा निकलता है, बाहर आता है, गैसेस आते हैं, स्टीम्स आते हैं, एटसेट्रा. ओके, सो वेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाइड इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म. हाउ इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ, वेन लावा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज. जब लावा कूल होता है और सॉलिड हो जाता है तब जो है इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म. ये इंपॉर्टेंट है और आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इस पे. सो थ्रू द एस्टिमेट ऑफ द स्टडी ऑफ टेम्परेचर डेंसिटी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड प्रेशर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ वॉज अंडरस्टूड. और अब जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसके एस्टिमेट से हमको क्या पता चलता है, क्या क्या स्टडी करते हैं हम उसमें, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसकी डेंसिटी देखते हैं, उसमें कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रेशर कैसे एग्जिट हो रहा है, दैट ऑल वी स्टडीड एंड उससे जो है हमको इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जो है इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी गो डीप इनटू अ माइन वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. आपको माइंस मालूम है, तो जब माइंस के अंदर हम जब जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. ओके, तो सिमिलरली द मैग्मा कमिंग आउट ऑफ अ वोल्केनो फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर इज हॉट. ऐसे ही जो है जब मैग्मा बाहर आता है वोल्केनो से, तो अर्थ इंटीरियर हमको पता चलता है कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो हॉट है. ठीक है, सच एस्टिमेशन वेयर मेड बाय द
जियोलॉजिस्ट, जो भी जियोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट यानी जो धरती के अंदर के पार्ट की जो स्टडी करता है ना, उसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो ये जो जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जब मैग्मा बाहर आता है अर्थ के अंदर से, तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो इस पर से पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में जो टेम्परेचर है वो बहुत हॉट है। ओके, सेवरल अर्थक्वेक्स ऑकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन द अर्थ एवरी ईयर। तो हर साल जो है बहुत सारे जगहों पर अर्थक्वेक होते रहता है। सिस्मिक वेव्स आर जनरेटेड, और उससे जो है सिस्मिक वेव जनरेट होती है। ठीक है, दिस वेव्स ट्रेवल थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और ये जो सिस्मिक वेव्स है वो हमारे धरती के अंदर तक जाती है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक जाती है। ओके, सो द स्टडी ऑफ दिस डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हेल्प अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और जब इसके हम स्टडी करते हैं, अलग अलग प्लेसेस में जो भी अर्थक्वेक होते हैं, सिस्मिक वेव निकलती है, तो उसकी जब हम स्टडी करते हैं, सो व्हाट वी लर्न, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो वेलोसिटी है, इससे जो है हमको हेल्प अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो है एस्टिमेट पता चलता है। मैन हैज ऑल्सो ट्राइज टू डिग डीप बोर होल्स इन द इंटीरियर टू नो मोर अबाउट द सेम। मैन क्या करता है, बहुत एक होल्स करते हैं अर्थ पे, बहुत अंदर तक ऐसे होल्स करते हैं और जो है इंटीरियर की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? सो आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। थिंक अबाउट इट, कैन वी डिग डीप फ्रॉम वन साइड ऑफ द अर्थ एंड कम आउट फ्रॉम द अदर साइड। इमेजिन करना है कि क्या हम अर्थ को एक साइड से जो है खोद कर, डिग करना यानी खोदना, और दूसरे साइड से हम निकल सकते हैं। राइट योर इमेजिनेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस इन क्लास। तो ये जो इमेजिनेशन है आपका, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है और चर्चा करनी है। ठीक है, डू यू नो, सी हियर, डू यू नो, अवर अर्थ वॉज फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियंस ईयर एगो। हमारी अर्थ जो है कब बनी है, अप्रॉक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर एगो। ओके, इनिशियली द अर्थ वॉज इन अ गैसियस स्टेट, और हमको मालूम है कि इनिशियली जो है हमारा अर्थ कैसे था, गैसियस स्टेट में था। ठीक है, और इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, और जब ये जो ऊपर का पार्ट है वो रेडिएशन की वजह से जो है ठंडा होने लगा, कूल होने लगा। द अर्थ देन लिक्विफाइड, और उसके बाद में जो है अर्थ लिक्विफाइड हुआ रेडिएशन की वजह से। विथ टाइम द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कूल्ड फर्स्ट, और फिर कुछ टाइम जाने के बाद में जो है उसके ऊपर का जो पार्ट है वो कूल होने लगा एंड बिकम सॉलिड होने लगा, एंड इट बिकम सॉलिड। दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है उसे ही हम क्या बोलते हैं, जो सॉलिड है और कूल्ड है वही अर्थ है, उसे क्रस्ट कहा जाता है। इवन टूडे आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन अ गैसियस स्टेट, अभी भी जो है प्लैनेट में बहुत सारे ऐसे सोलर सिस्टम्स है वो गैसियस स्टेट में है। यू अंडरस्टूड दैट? ओके, सो नेक्स्ट यू वी स्टार्ट द कंपोजिशंस ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अर्थ का इंटीरियर का कंपोजिशन कैसे है वो देखेंगे, ये आपको ट्राई करना है। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी बाय डिवाइडेड द स्टूडेंट इनटू टू ग्रुप्स, हमको क्या करना है, स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करना है और फिर ये एक्टिविटी फॉलो करनी है। तो टेक क्ले बॉल ऑफ अ थ्री कलर्स, हमको क्या करना है, थ्री कलर्स के
क्ले के बॉल बनाने हैं। क्ले मालूम है आपको, मड के जो है 3 बॉल्स बनाने हैं, रेड येलो एंड ब्लू। उसको तीनों को जो है कलर डालना है और वो एक रेड कलर का, एक येलो और एक ब्लू कलर का बनाना है। मेक द रेड बॉल बिगर, जो रेड बॉल है उसे सबसे बड़ा बनाना है और बाकी के दो जो है छोटे बनाने हैं थोड़े। रोल आउट द येलो कलर बॉल, जो येलो कलर का बॉल है उसको भी रोल आउट करना है। जैसे हम रोटी बनाते वक्त जो ये बनाते हैं ना, डॉट बनाते हैं, वैसे ही उसको रोल करना है। यू विल गेट अ फ्लैट रोटी लाइक स्ट्रक्चर, और उसको फिर फ्लैट करना है, रोटी के जैसे बेलना है उसको। प्लेस द रेड कलर बॉल इनसाइड द येलो। अब ये जो रेड कलर का बॉल है उसको येलो वाले बॉल में, येलो वाले जो हमने रोटी बनाई है उसमें वो डाल देना है और उसको फिल अप करना है, पूरी तरफ से उसको पैक करना है। फिल जैसे पूरन हम डाल के बनाते हैं ना, वैसे ही। गिव इट द शेप ऑफ अ स्पीयर, और उसका जो शेप है वो स्पीयर ही रखना है, गोल ही रखना है। नाउ रोल आउट द ब्लू बॉल, फिर क्या करना है, जो ब्लू बॉल है, 3 बॉल लिए थे ना हमने, उसमें से जो ब्लू बॉल है उसको भी रोटी जैसे बेलना है और ये जो येलो वाला बॉल है फिर उसमें फिलअप कर देना है, ठीक है। मेक अ स्पीयर आउट ऑफ दिस टू, अब इस दोनों से का जो है डालने के बाद में स्पीयर बनाना है, ठीक है। तो शो द कॉन्टिनेंट इन येलो ऑन दिस स्पीयर लाइक अ ग्लोब। अब ये जो है ग्लोब जो बनाया है हमने, मतलब ये जो राउंड बनाया है उसको हमको ग्लोब के जैसे बनाना है। नाउ योर ग्लोब मेड फ्रॉम क्ले इज रेडी। तो ग्लोब में जैसे आपको दिखता है ना, सभी जो जो भी आप देखते हो ग्लोब में, वो सब जो है उसके ऊपर हमको ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है और उसको ग्लोब का ग्लोब के जैसे बनाना है। टू सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अगर हमको उसके इंटीरियर इंटीरियर ऑफ अर्थ का अगर पार्ट देखना है तो हमको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट से उसको जो है कट करना है, उस पियर को आधा बीच में से कट करना है। हाँ, यू कैन सी वेरियस लेयर ऑफ अ कलर इन साइड लाइक द लेयर ऑफ द अर्थ। जब आप उसको कट करोगे तो उसमें आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे। तो ऐसे ही जो है हमारी अर्थ होती है, जब लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, इंटीरियर में अगर हम अर्थ को देखेंगे तो ऐसे ही लेयर्स जो है हमको सेम मिलेंगी। ओके, नेम दिस लेयर्स, और इस लेयर को फिर आपको नाम देना है। देन हियर इज गिवन अ ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, अब हम जो उसको कट करने के बाद में जो भी हमको पार्ट दिख रहा है उसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। While going from the earth's surface to its core, major changes occurs in temperature and density. जब हम अर्थ सरफेस की बात करते हैं और उसके कोर की बात करते हैं तो मेजर चेंजेस ऑकर इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी, उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं टेम्परेचर में और डेंसिटी में। विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू एलिमेंट्स द अर्थ इंटीरियर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेयर्स। अब ये जो चेंजेस है जो टेम्परेचर और डेंसिटी में जो चेंजेस है उस एलिमेंट से जो है हमको अर्थ को हम डिवाइड कर सकते हैं लेयर्स में, ठीक है। तो हियर इज अ गिवन ट्री ऑफ अर्थ, ओके, द लेयर्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कौन से लेयर्स होते हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर, ठीक है। क्रस्ट यानी ऊपर का पार्ट होता है, फिर बीच में जाएंगे तो मैंटल और उसके नीचे का जो पार्ट है कोर होता है, ठीक है। तो क्रस्ट जो है ऊपर का जो जमीन वाला हिस्सा है, तो उसके भी दो पार्ट है, कौन से, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशियानिक क्रस्ट है। ओके, तो ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सबसे ऊपर का पार्ट है, यानी हम जहाँ पे खड़े हैं जमीन पे वो वाला है, ठीक है। देन ओशियानिक क्रस्ट जो है उसके नीचे का पार्ट है, जो पानी वाला हिस्सा होता है, जो वाटर वाला लेयर का जो हिस्सा होता है वो। नेक्स्ट मेंटल, मेंटल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके नीचे जो है मेंटल होता है और मेंटल के भी दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल होता है और फिर एक लोअर मेंटल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोर, कोर के भी दो पार्ट है, उसके नीचे का जो पार्ट है वो कोर है, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ के पास का जो एरिया है उसके दो पार्ट है, आउटर कोर है एक और इनर कोर है,
ठीक है। तो ये जो है एक ट्री है जो हमको अर्थ को डिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये दिख रहा है आपको इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल। मेंटल भी दिख रहा है, आउटर कोर भी दिख रहा है, इसमें इनर कोर भी दिख रहा है, क्रस्ट दिख रहा है नीचे, सबसे नीचे जो है ऊपर का जो पार्ट है अर्थ का वो क्रस्ट है। उसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। तो ये सभी जो पार्ट है हमको दिख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, ये डायग्राम क्या शो कर रहे हैं, इंटीरियर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो फर्स्ट इज द क्रस्ट, ओके। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। द क्रस्ट, तो क्रस्ट क्या है, सबसे ऊपर का पार्ट है हमारे अर्थ का, जहां पर हम रहते हैं, ओके, खड़े होते हैं, बैठते हैं। सो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इन सॉलिड स्टेट, और ये जो अपर मोस्ट लेयर है हमारे अर्थ की वो कैसी है, सॉलिड है, एंड इज कॉल्ड द क्रस्ट, और उसे हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ओके। अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच आर सॉलिड आर कॉल्ड द क्रस्ट, ओके। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज नॉट द सेम एवरीवेयर। अब अर्थ के हम अलग अलग पार्ट में अगर जाएंगे तो हमको थिकनेस जो है वो कम ज़्यादा दिखेगी। ये जो थिकनेस होती है अर्थ के ऊपर के लेयर की वो कम ज़्यादा होती है। ऑन एन एवरेज, अगर एवरेज में अगर देखा जाए तो इट इज 30 to 35 किलोमीटर। ये कितनी होती है, 30 to 35 किलोमीटर होती है। हियर यू सी द पिक्चर्स ऑफ अर्थ, हाँ, ये जो हमने एक्टिविटी देखी थी वो एक्टिविटी यहाँ पर दी हुई है। हाँ, यहाँ पर सभी दिया है। हाँ, क्या क्या यूज़ किया है हमने, पेंसिल यूज़ किया है, ग्लू यूज़ किया है, यहाँ पे एक चाकू यूज़ किया है, नाइफ, और ये सब जो है कलर कलर के स्ट्रिप लिए, इसको फिर हमने गोल किया सेकंड इसमें, फिर थर्ड में हमने रेड बॉल बनाया, फिर येलो बॉल बनाया, फिर येलो बॉल की रोटी बनाई, फिर उसमें रेड बॉल को फिलअप किया, फिर वो पूरा जो येलो बॉल है ऐसे बनाया हमने, नीचे सेवंथ एक्टिविटी में दिख रहा है हमको। बाद में जो है ब्लू वाला जो था उसको हमने रोटी के जैसे फिर से बेल दिया, और फिर इस ब्लू इसमें जो है येलो येलो बॉल जो बनाया हमने वो उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर ये जो है पूरा ऐसे 10 में देखो आप, 10 और 11 में ये ऐसा बॉल बन गया, ठीक है। फिर बाद में उसमें हमने जैसे कि हमारे ग्लोब में होता है वैसे ही डिज़ाइन बनाई यहाँ पे कलर से, दिख रहा है आपको, ये बना रहे हैं 12, इसमें 12 नंबर में, तो ये जो है एकदम हमारे ग्लोब के जैसा दिखने लगता है। ये हमारी एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। तो इसको फिर बाद में हमने बीच में से कट किया, तो हमको दिख रही है ये 3 लेयर्स दिख रही है, रेड, येलो एंड ब्लू। तो अर्थ भी जो है हमारी ऐसे ही होती है, हमने ऊपर जो चार्ट में देखा था कि 3 लेयर्स होती है, तो ये है क्रस्ट, मेंटल और कोर, ये जो है यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो पिक्चर देख रहे हो आप, ये जो है यहाँ पे क्या दिया है, 2 लेयर दिख रही है क्रस्ट की, एक ऊपर की लेयर और एक नीचे की लेयर। ये जो है ऊपर की लेयर दिख रही है और ये जो है ओशियोनिक लेयर है, जो लिक्विड पार्ट होता है हमारा। तो ये 2 लेयर जो है क्रस्ट के हमको दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट इस पेज में हमने क्या देखा था कि ऑन द ओवरेज इट इज 30 to 35 किलोमीटर जो है उसकी थिकनेस होती है। ओवरऑल जो थिकनेस है उसकी 30 to 35 होती है, ओके, थिक। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट बिलो द कॉन्टिनेंट इज फ्रॉम 60 to 45। और उसके नीचे का जो एरिया है, मतलब कॉन्टिनेंटल जो एरिया है वो 16 to 45 किलोमीटर होता है, और 40 किलोमीटर अंडर द माउंटेन रेंज एंड लेस देन 10 किलोमीटर अंडर द ओशियन, ओके। तो ये जो कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंट्स है, तो वो कॉन्टिनेंट्स कितना होता है, 60 to 45 किलोमीटर होता है अंदर, ठीक है। उसमें से भी जो है 40 किलोमीटर जो है वो माउंटेन रेंज में आता है, एंड लेस देन 10 किलोमीटर जो है अंदर जाता है, मतलब अंदर का एरिया होता है, अंडर द ओशियन मतलब वो पानी वाला एरिया होता है, ठीक है, वाटर एरिया होता है।
एज वी मूव डीपर अंडर द सरफेस, और जैसे जैसे हम अंदर अंदर अर्थ के सरफेस के अंदर अंदर जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है इंक्रीज होते जाएगा, अर्थ का अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जाएगा. आफ्टर दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूस, और फिर और अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ जो है टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है अगेन, एंड फिर और आगे जाते हैं तो अगेन इंक्रीज इन द कोर. जब कोर में जाते हैं, मतलब तीसरे पार्ट में जब जाते हैं कोर में, तो वहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द टेम्परेचर इज अराउंड 5500 डिग्री टू 6000 डिग्री होता है. जब एकदम सेंटर में जाते हैं अर्थ के, तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, 5500 डिग्री टू 6000 डिग्री सेल्सियस होता है. यू अंडरस्टूड दैट. द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर, और हमारा ऊपर का जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा थिनेस्ट लेयर है एज कंपेयर टू द मेंटल एंड कोर. अंदर के जो सेकंड पार्ट कौन सा है, मेंटल है, और थर्ड अंदर का जो पार्ट है सेंटर का वो कोर है. तो मेंटल और कोर से जो है हमारा ऊपर का क्रस्ट का जो लेयर है जहाँ पे हम रहते हैं, तो वो जो है थिनेस्ट है इसके कंपेयर में. इट कैन बी डिवाइडेड इन टू टू सब लेयर्स. अब ये जो है क्रस्ट जो है डिवाइडेड इन टू टू सब लेयर्स. कौन सा है, फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और दूसरा क्या बताया था हमने, एक कॉन्टिनेंटल और दूसरा ओशियनिक क्रस्ट. तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, द कॉन्टिनेंट आर द मेनली कंपोज ऑफ सिलिका. ये जो है सबसे ऊपर का पार्ट है हमारे अर्थ के, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो ये कॉन्टिनेंट जो है किससे बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है. सिलिका इज द कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट. सिलिका क्या है, ये सिलिकॉन एलिमेंट्स का पार्ट है. ओके, और एंड एल्यूमिनियम. तो कॉन्टिनेंट जो है वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ अ सिलिका एंड एल्यूमिना एल्यूमिनियम. ओके, सो कॉन्टिनेंट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम बिकॉज ऑफ देयर हाई प्रोपोर्शन इन दिस लेयर. तो इसका जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन होता है सिलिका का और एल्यूमिनियम का इस लेयर में. तो द लेयर वॉज अर्लियर नोन एज सियाल. तो इसीलिए इस लेयर को पहले क्या कहा जाता था, सियाल. सियाल यानि क्या है, सिलिकॉन, एसआई यानि सिलिकॉन, और एएल यानि एल्यूमिनियम. ओके, उसका कंबाइंड नाम है सियाल. ओके, तो इसको पहले सियाल कहा जाता था. द डेंसिटी ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 2.65 टू 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. सो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट, 2.65 टू 2.90 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ओके, इसको अंडरलाइन करते जाओ. जहाँ जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो जो है पार्ट आपको भी अंडरलाइन करना है और इसको रीड करना है, अच्छे से लर्न करना है. द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर. अब ये जो ऊपर का जो लेयर है कॉन्टिनेंट का, उसका जो है थिकनेस कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स होता है. ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछा जा सकता है. थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल लेयर इज व्हाट, हाउ मच, 30 किलोमीटर. ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर. और कौन से रॉक्स हमको मिलते हैं कॉन्टिनेंट में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, तो ग्रेनाइट रॉक्स मिलते हैं. हाँ, ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. ओके, सो इसको भी अंडरलाइन करके रखिएगा. नेक्स्ट वी सी द ओशियनिक क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल के बाद में नीचे का जो पार्ट है उसका क्या है, ओशियनिक क्रस्ट है, और ये वाटरी लेयर है. ठीक है, दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द क्रस्ट. क्रस्ट का ये दूसरा लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ अ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ये किससे बना हुआ है, ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है, सिलिका एंड मैग्नीशियम. तो इट वॉज अर्लियर कॉल्ड सीमा, और इसको पहले क्या कहा जाता था, सीमा, एस आई एन ए
सिलिका एंड एमए यानी मैग्नीशियम, तो कंबाइंड फॉर्म में सीमा कहा जाता था, ठीक है। दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर थिक, और ये जो सेकंड लेयर है ओशियानिक क्रस्ट की वो कितनी किलोमीटर है, 7 to 10 किलोमीटर थिक है। द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज, उसकी डेंसिटी कितनी है, 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टू 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसकी जो डेंसिटी है ये इसका प्रमाण यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इन दिस लेयर बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स आर मेनली फाउंड, और इस लेयर में हमको कौन से रॉक्स मिल रहे हैं, बेसॉल्ट एंड गैब्रो रॉक्स, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमको कौन से रॉक्स मिले, ग्रेनाइट रॉक। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन से रॉक्स मिलते हैं। तो ओशियानिक क्रस्ट में हमको कौन से रॉक मिले हैं, बेसॉल्ट एंड गैब्रो। ओके, तो ये यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ऑलवेज रिमेंबर एलिमेंट्स फाउंड इन वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इंटीरियर। जो जो एलिमेंट्स है वो हमको जो है उसमें मिलते हैं, किसमें मिलते हैं, अर्थ के अंदर। तो हर एक लेयर्स में जो है हमको एलिमेंट्स मिलते हैं, तो वो कौन से एलिमेंट्स है, यहाँ पे दिए हुए हैं। सिलिकॉन है जिसका नाम उसको कैसे डिनोट किया जाता है, SI से। ओके, एल्यूमिनियम AL से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन मिलता है हमको लेयर्स में, SI है उसका, उसको डिनोट करते हैं। मैग्नीशियम MG से ये पहचाना जाता है। निकेल जो है उसका नाम, साइंटिफिकल नेम क्या है, NI है। फेरस आयरन, इसका भी साइंटिफिकल नेम क्या है, FE है, जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एलिमेंट जो है हमको इंटीरियर पार्ट में अर्थ के मिलते हैं। डू यू नो, नेक्स्ट यू सी डू यू नो, ये डू यू नो आप जो है घर में पढ़ सकते हो, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। देर इज अ डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। अगर हम देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट जो है इसमें डिसकंटिन्यूटी दिखती है। इट वॉज फर्स्ट डिड्यूस्ड बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड कॉनरेड एंड इज नेम्ड आफ्टर हिम एज कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ये जो डिसकंटिन्यूटी हमको क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में मिलती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट में, तो इसको सबसे पहले किसने रिकग्नाइज किया, कॉनरेड नाम के एक साइंटिस्ट ने किया, और उसको क्या नाम दिया उन्होंने, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। उसको पहचाना जाता है कि कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी करके। देयर इज डिसकंटिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल टू। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी जो है हमको क्रस्ट में और मेंटल में, क्रस्ट ऊपर का पार्ट है उसके नीचे मेंटल है, तो इसमें भी जो डिसकंटिन्यूटी हमको दिखती है, दिस डिसकंटिन्यूटी वॉज रिड्यूस बाय द साइंटिस्ट मोहरोविसिस, इसका नाम जरा हार्ड है, मोहरोविसिस। तो इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर हिम एज मोहो डिसकंटिन्यूटी, और फिर इस डिसकंटिन्यूटी को उन्होंने, इस साइंटिस्ट ने रिकग्नाइज किया, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, मोहो डिसकंटिन्यूटी। देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी बिटवीन मेंटल एंड कोर टू। अब उसके नीचे का पार्ट है कोर, तो कोर में और मेंटल में भी डिसकंटिन्यूटी दिखती है, सो इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर, उसने उसको भी एक नाम दिया गया, ग्यूटेनबर्ग, अ साइंटिस्ट जिसने रिकग्नाइज किया वो कौन है, ग्यूटेनबर्ग नाम का साइंटिस्ट है हु डिस्कवर्ड इट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है मेंटल। ओके, तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो है मेंटल, हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा, और फिर बाद में बेल आइकन को दबाना होगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और नोटिफिकेशन में आपको सभी वीडियो जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने फ्रेंड्स को भी बताना है शेयर करने के लिए, और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
तो यहाँ पे एंड करते हैं, और दूसरा वीडियो जल्दी ही आपको इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी ही आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।